अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज का पहला सवाल तकलीफ दे है मेरे जैसे आदमी के लिए और पाकिस्तान के अक्सर लोगों के लिए। ये तकलीफ दे बात है। राणा अनीस हैं, अनीस अहमद मुल्तान से। वो लिखते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफसल मरवत को पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुतनाज़ बयानात देने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। शेर अफसल मरवत ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुश्किल तरीन हालात में पार्टी और इमरान खान के बयानी को मुल्क भर में पहुंचाया। पीटीआई के शेर अफसल मरवत के साथ ऐसे सलूक पे आप क्या कहेंगे? ये देखें, बात सुने। ये माशरा जो है, ये एक अंग्रेजी का मुहावरा घिसा पिटा बहुत पुराना, बचपन में मैंने स्कूल डेज में सुना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। शेर अफसल मरवत जैसा एक जेन्युइन स्ट्रेट आदमी, मुझे तो इस तरह के लोग इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि मेरा अपना टाइप इस तरह का, आई डोंट मिंस वर्ड्स, मैं जुगाली नहीं करता, मैं स्ट्रेट जो बात करनी होती है कर देता हूं। तो शेर अफसल मरवत जैसा आदमी जो मजॉरिटी है हमारी सोसाइटी की, इस तरह के लोगों की सोसाइटी नहीं, लोगों ने तो शेर अफसल मरवत को बहुत इज्जत दी, बहुत मोहब्बत दी, यही उसके लिए अजाब बन गया। वो एक शेर है, मेरा ही है, वो सुन लें। नोचते रहते हैं अपने ही बदन की बोटियां, हासिदों को खुद ही अपना मेजबान बनना पड़ा। हासिदों की तादाद इज अंडरस्टैंडेबल। कैसे? इमरान खान के बाद अगर किसी शख्स को इस पार्टी में मोहब्बत मिली है, इज्जत मिली है, एहतराम मिला है, पहचान मिली है अवामी सतह पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ शेर अफसल मरवत है। अच्छा, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? पाकिस्तान एक ऐसा माशरा बन चुका है जिसमें जेन्युइन लोगों के लिए जिंदा रहना मुश्किल है। लेकिन गिव अप करने से बेहतर है कि आदमी इस तरह के दो नंबर मौका परस्त, दो दो चेहरों वाले क्लाइंबर्स, अचीवर्स, उनके मुकाबले पे डटा रहे। अच्छा, जहां से आपने बात शुरू की है वो काबिल एतराज नहीं है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने एक बंदे को, अपने रहनुमाओं में से एक को शो कॉज नोटिस से थी। वो चलता है, वो सरकार में भी चलता है, ब्यूरोक्रेसी में भी चलता है, फौज में अपने तरीके से चलता है और घरों में भी चलता है। अगर मां बाप पढ़े लिखे हों, डिसिप्लिन हों, तो शो कॉज नोटिस जरूरी नहीं है, लिख के दिया जाए। बेटा अगर कोई इस तरह की हरकत करे, ये वो बच्चा कोई करे, तो बाप क्या करता है? मां को कहता है उसको भेजो, बुलाओ, सवाल जवाब होता है, तो शो कॉज ही होता है ना वो भी। तो और ये पूरे कायनात का उसूल है शो कॉज। सो वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक नॉर्मल बात है, किसी भी इदारे में एक नॉर्मल बात है। अब शेर अफसल मरवत जैसा शेर आदमी क्या करता है वो तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान होगा पीटीआई। शेर अफसल मरवत जैसे जेन्युइन और दलेर साथी का अगर वो छोड़ते हैं, मुझे नहीं पता, ये नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा और एक ऐसा नुकसान जिसका मुझे जाती तौर पे हमेशा दुख रहेगा।